चतरा में ड्रोन की मदद से पहली बार हुआ। धान की फसल में कीटनाशक का छिड़काव, किसानों में हर्ष का माहौल। कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर रंजय कुमार सिंह ने कृषि फॉर्म चतरा एवं दारियातु गांव में लगे धान की फसल में ड्रोन की मदद से कीटनाशक का छिड़काव कराया है। उन्होंने बताया कि यह नया टेक्नोलॉजी है। झारखंड में पहली बार चतरा में ड्रोन की मदद से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। ऊपर नीचे तारे ऊपर कुछ नीचे। मैं ये काम क्यों बड़े पड़ेंगे ना तो और गड्ढे में लाऊं। अरे कितना दूर तक जा सकता है? दूर भगे ये बाने यानी ये प्रिय रिक्त नहीं जरा ऊपर लाओ आओ पादी पे ब्रो दे आर आस्किंग फॉर नहीं जी ठीक करा दवाई वाई एक्सपायरी वाला डला दिया तो एक्सपायरी नहीं डलाएगा। दवा है कोई चक्कर नहीं, दवा है दवा को स्प्रे करना चाहिए क्या? चलिए हटाइए थोड़ी ठीक है ठीक है। चंदन कहाँ गया है? पर्सनल वाला पहना टांग ये वो करे तो मर पीछे दवा डाला गया है खाली पानी और मत दवा फंस जाएगा मैं चल ओके ओके
वो टेस्टिंग के लिए ना पुलिया पास कितना वेट लेगा के लिए ज्यादा जा रहा था तो ज्यादा देखते हैं पुलिया बस आगे था ना ढलान नहीं हमारा कंपनी के पॉलिसी में पूरा के साथ टेस्टिंग के लिए 5 लेकिन ऋषि से सामान और रिस्क लेना तो हमारा लाइक ड्रोन मोबाइल दुकान ना करा मोबाइल दुकान हमारा कास्ट 6 लाख से हां तो कर बगल में है वही पे भेज रहे बहुत कम है इसलिए 5 लीटर भेज रहे हैं ठीक है सर। अभी जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा डेमोंस्ट्रेशन जो कराया गया ड्रोन का, इससे किसानों को क्या लाभ है और ये कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में दिन प्रतिदिन नए तकनीक का इजाद किया जा रहा है और किसान जो खास करके दवा का छिड़काव अपने हाथों से करते हैं उससे किसान को खेतों में ज़्यादा श्रम लगता है, उससे उसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ता है, लेकिन ड्रोन के उपयोग करने से किसान को इससे एक दिन में कम से कम 10 से 15 एकड़ जमीन में इसका छिड़काव कर सकते हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो दवा का मात्रा जो है वो सामान्य रूप से खेत में छिड़का जाएगा, तो ये सब इससे फायदा है। जो भाई इसको लेना चाहते हैं दाम करीब 7 से 8 लाख है, लेकिन अगर इसको हायर बेसिस पर कस्टम हायरिंग सेंटर में रखा जाए तो किसान भाई इसका उपयोग अच्छा से कर सकते हैं।